ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। नहीं है वो गठबंधन था वो खत्म हो गया और ये सरकार अल्पमत में है। भरम भिला के तो लोगों से वोट लेते रहे आज तक, उनकी राजनीति टिकी इस पे। जब भी चुनाव आते हैं तब वो मुख्यमंत्री के रेस में आ जाते हैं। सर गठबंधन रहा और गठबंधन टूटा, उसके बाद में किस तरीके देखते हैं कि ये क्या वोट की राजनीति देखी जाए, किस तरीके से ओबीसी सीट बात की जाए, किस तरीके से आप देखते हैं? जो गठबंधन जो महागठबंधन हुआ है इसलिए हुआ है कि जो अति हो रही है प्रवादवाद की बात करते हैं, इनके यहाँ कम प्रवादवाद। अनुराग ठाकुर है, अमित शाह का बेटा है, आपके या सुषमा स्वराज की बेटी है। मैं आपको कितने आपको वो एग्जाम्पल, येदियुरप्पा का जो है बेटा है वो अध्यक्ष बनाया है, तो कितने एग्जाम्पल हैं प्रवादवाद के। तो ये जो है जब किसी पर आरोप लगाते हैं, मोदी जी को ये नहीं भूलना चाहिए, राजनाथ सिंह जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है, उनका जो गृह मंत्री है अमित शाह का जय शाह, वो बीसीसीआई का वो सेक्रेटरी बना रखा, क्या मतलब इन लोगों का। हरियाणा में जिस तरीके से चेंजिंग हुई है, नया सीएम बनाया गया, क्या कहेंगे इस ऊपर? जो गठबंधन था कुछ नहीं है, वो ठगबंधन था वो खत्म हो गया और ये सरकार अल्पमत में है, सरकार चलने वाली नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। और हरियाणा में तो मैं आपको सरकार गठबंधन की आएगी और देश में भी गठबंधन की सरकार आएगी। सीएम की दौड़ में तो कैप्टन साहब कई थे लेकिन सीएम की दौड़ में उनका नाम नहीं आया, माउस हो गए, किस तरीके देखते हैं? वो तो हमेशा भ्रम फैलाते थे, अब भी भ्रम फैला रहे हैं। भ्रम फैला के तो लोगों से वोट लेते रहे आज तक, उनकी राजनीति टिकी इस पे। जब भी चुनाव आते हैं तब वो मुख्यमंत्री के रेस में आ जाते हैं। अभी 20 एमएलए हमारे यहाँ से क्यों नहीं जो है इनको मौका मिला? मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि किसी हर आदमी को मारने को लगे हुए। ये तो मेरे साथ कैप्टन अजय यादव ने कहा कि यदि सर यदि कहती है पार्टी, यदि टिकट देती है तो मैं जरूर लड़ूंगा हरियाणा के लिए। रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।